नमाज जनाजा में चार तकबीरें होंगी, हर रकात जिस तरह फर्ज ऐन में रकातें पूरी करना ज़रूरी होता है, नमाज जनाजा में तकबीरें पूरी करना ज़रूरी होता है। इस वजाहत की ज़रूरत इसलिए है कि जब इमाम अल्लाह अकबर कहे तो मुक्तदी भी अल्लाह अकबर कहे, तकबीर की अदायगी दोनों के लिए है। पहली तकबीर के बाद सना होगी, दूसरी तकबीर के बाद दुरूद शरीफ और तीसरी तकबीर के बाद दुआ होगी, चौथी तकबीर के बाद सलाम फेर दिया जाएगा। साथ ही कोशिश किया करें सर ढाँप के नमाज पढ़ा करें। सर ढाँप के नमाज पढ़ना सुन्नत के ऐन मुताबिक है, अदब के ऐन मुआफिक है। कपड़ा मुयस्सर ना हो तो मजबूरी की हालत में शरीयत नंगे सर नमाज पढ़ने की इजाज़त देती है, लेकिन कोशिश किया करें इजाज़त की बजाय सुन्नत का रास्ता इख्तियार किया करें। अपनी चादरें, अपनी शलवारें वगैरह टखनों से ऊपर रखना किसी जमात या किसी तंजीम की निशानी नहीं है, बल्कि ये मुस्तकिल सुन्नत है और हुजूर का हुक्म है, इसलिए कम से कम नमाजों में इसका अहतमाम ज़रूर किया करें। सामीन मोहतरम, ज़िंदगी सफ़र है, हम आप और हम सब मुसाफिर हैं। हमारे भाई इस मोहम्मद इमरान का सफ़र मुकम्मल हुआ, ये जुल्मन कत्ल हुआ है, और साहेब कुदूरी ने शहीद की जो तारीफ़ की है वो यही है कि जिस आदमी को मुसलमान होने की हालत में जुल्मन कत्ल किया जाए उसे इस्लाम की रूह से शहीद कहा जाता है। अपने माल की हिफाजत करते हुए, अपनी इज्जत की हिफाजत करते हुए, अपने वतन की हिफाजत करते हुए अगर कोई बंदा कत्ल होता है तो उसे शहीद ही कहा जाता है। वो हुक्मन शहीद नहीं, वो हकीकतन भी शहीद हुआ करता है। ये जुल्म हुआ है और बड़ी ज़्यादती हुई है। वरसा को इस वक्त बड़ा सदमा है, और सिर्फ वरसा को नहीं है, पूरे इलाका को इस बात पे बहुत दुख है और बहुत रंज है। और इस मौका पर जो है इंशाल्लाहुल अज़ीज़ हम अपने तमाम इन मेहरबानों को यकीन दहानी करवाते हैं कि हम इंसाफ के हुसूल के लिए इनके शाना बशाना रहेंगे और हर मुमकिन जिद्दोजहद करेंगे और इस नहज तक मेहनत करेंगे ताकि इस मजलूम को इंसाफ मिले और वो जो कातिल हैं वो कैफर किरदार तक पहुँचाया जाए। इंशाल्लाहुल अज़ीज़ ये हमारी जिम्मेदारी है हम सब की, और हम सब ने मिलकर कोशिश करनी है। और DPO और टोबा जो है उसको भी हम इंशाल्लाह बहुत जल्द वफद की सूरत में मिलेंगे, और इसकी जो साइंसी तरीक़ाकार है, जो जदीद टेक्नोलॉजी है, उसकी मदद से ज़्यादा देर नहीं लगेगी, इंशाल्लाह अज़ीज़ कातिल ट्रेस कर लिए जाएंगे और वो कातिल इंशाल्लाह अपने अंजाम को भी पहुँचेंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको हम सबको दुनिया आखरत की भलाइयाँ और इज़्ज़त नसीब फरमाए। ज़िंदगी सफ़र है, हम सब मुसाफिर हैं, ज़िंदगी के अंदर उतार चढ़ाव होते रह जाते हैं। अच्छे खून की पहचान ये है कि वो अपने से कमज़ोर के साथ दुश्मनी नहीं रखता, और मैयत कमज़ोर तरीन मखलूक होती है, इसलिए किसी साहेब को किसी किस्म का कोई रंज, कोई अलम, कोई जो है दुख हो तो अल्लाह की रजा के लिए मोहम्मद इमरान मरहूम को मुआफ़ कर दीजिए। अल्लाह आपके और मेरी खताओं को मुआफ़ फरमाए।